हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर रील्स वायरल सारी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस आप इस वीडियो में देख रहे हैं 4.5 लाख इस वीडियो में लाइक आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप इन वीडियो में देख सकते हैं, सभी वीडियो में आप देख सकते हैं एम में व्यूज आ रहे हैं 6.7 एम, यहाँ पर 2.9 एम। तो अगर आप लोग भी गाइस इस तरह से अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं, इस तरह से अपनी सारी वीडियो में लाइक और व्यू लाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए गाइस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहीं तो गाइस आपको ये वाली वीडियो है जो समझ में नहीं आएगी। और गाइस, इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप XML फाइल को अनलाइड मोशन ऐप में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको वीडियो बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड करना है और अनलाइड मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो आपको पिक्सल लैब ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, आपको अनलाइड मोशन ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अनलाइड मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस, आपको सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ से हम पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको न्यू टेस्ट वाले ऑप्शन को डिलीट करना है इस तरह से। गाइस, यहाँ से आपको नीचे में ए वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको सारी को लिखना है। तो गाइस, आप सारी वगैरह क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप क्रोम ब्राउजर पर सर्च करके किसी भी सारी को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आपको सर्च करना है हिंदी एटीट्यूड सारी। इस तरह से गाइस आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपको फर्स्ट में एटीट्यूड सारी हिंदी ए वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आप देख सकते हैं इस तरह से एटीट्यूड सारी आ जाएंगी। तो आप किसी भी सारी को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। गाइस, हम इस सारी को यहां से इस तरह से कॉपी कर लेंगे। इस तरह से आपको कॉपी करना है। कॉपी होने के बाद यहां पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। गाइस, मैंने एक सारी को पहले से ही लिख कर रखा है, तो उसको हम कॉपी कर लेंगे। इस तरह से गाइस हम इस सारी को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से सारी आ जाएगी। तो यहाँ पर गाइस आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉन्ट को इसमें सिलेक्ट करना है। तो आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर माई फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी फॉन्ट आप यहाँ से इसमें ऐड करोगे पिक्सल लैब में, आपके सामने वो वाले फॉन्ट आ जाएंगे। तो गाइस, मैंने इस वाले फॉन्ट को ऐड करके रखा है। ये वाले इसी फॉन्ट पर गाइस सभी लोग हिंदी सारी वीडियो बना रहे हैं। तो अगर गाइस आपको ये वाला फॉन्ट चाहिए है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा, उसमें बता दूँगा कि आप पिक्सल लैब ऐप में ये वाले हिंदी फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से गाइस आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप सारी में अलग अलग कलर को लगा सकते हैं, जिस भी कलर को आप लगाना चाहते हैं। तो आपको पहले इस तरह से आपको सारी को सिलेक्ट करना है और कलर को लगाते जाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं, इस तरह से हम सारी में अलग अलग कलर को लगा लेंगे। जो भी कलर आप इसमें लगाना चाहते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम सभी सारी में जल्दी जल्दी अलग अलग कलर को लगा लेते हैं। इस तरह से आपको भी लगाते जाना है। गाइस आप देख सकते हैं, इस तरह मैंने सारी में ब्लैक कलर को, रेड कलर को लगा लिया। आप भी इस तरह से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। अब राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारी सारी है जो स्किन पर लग जाएगी। अब गाइस आपको इसमें स्टिकर को लगाना है। तो आपको टेस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्टिकर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने स्टिकर को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ऊपर साइड में हम इसको अच्छे से लगा देंगे। इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर स्टॉक वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसको ऑन कर लेंगे। राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस शैडो वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसको भी हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। अब गाइस आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारे जो स्टिकर हैं ऊपर साइड में अच्छे से लग चुके हैं। अब यहाँ पर गाइस आप चाहें तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी को भी इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से हम इसमें अपनी इंस्टाग्राम आईडी को भी इसमें लिख लेंगे। इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम आईडी को भी इसमें लिख दिया है। यहाँ पर हम नीचे साइड में इसको अच्छे से लगा देंगे। यहाँ से हम इसमें फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। इस वाले फॉन्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके पर क्लिक करना है।
गाइस हम इसके कलर को रेड कर देंगे इस तरह से। राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल रहा है, इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे। राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपनी शायरी को अच्छे से यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इस तरह से हम छोटा करके इसको लगा देंगे लास्ट में। अब गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो साड़ी है एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस साड़ी को पीएनजी में कन्वर्ट करना है, तो आपको चौथे नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी जो साड़ी है पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब गाइस आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस जो आपकी साड़ी है गैलरी में सेव हो जाएगी। अब गाइस आपको अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना है। तो गाइस आपको अलर्ट मोशन प्रो ऐप है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब गाइस आपको अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको 960 की साइज को सिलेक्ट करना है। यहाँ से गाइस आपको लाइट ग्रे वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपके मोबाइल के फोल्डर हैं यहाँ पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मोबाइल के फोल्डर हैं जो आ चुके हैं। यहाँ से गाइस आपको उस साड़ी को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी पिक्सल लैब ऐप से एडिट की थी, तो ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस हमारी जो साड़ी है कुछ इस तरह से स्क्रीन पर लग चुकी है। इसको गाइस आप बड़ा भी कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर क्लिक करना है। तीसरे नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इस तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा भी आप इसको करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसकी साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। अब गाइस आपको स्क्रीन पर टच करना है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो साड़ी है लग चुकी है। यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम इसमें साउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से हम एक साउंड वीडियो को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। गाइस आपको ये वाली साउंड वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस साउंड वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से हम साउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी जो साउंड वीडियो है इस तरह से ऐड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको साउंड वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है थ्री डॉट वाला, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो आपको एस्ट्रिक आईडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करते आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जो आईडियो है वो लग चुका है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिला है डिलीट वाला, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपकी वीडियो है डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में साउंड लग चुका है। अब गाइस आपको साउंड की लेयर के बराबर टेस्ट की लेयर को कर देना है, तो आपको यहाँ पर गाइस सारी की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारी सारी की लेयर है साउंड की लेयर के बराबर हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं हमारी सारी कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। यहाँ से गाइस हम इसमें XML फाइल को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो XML फाइल है वो इस तरह से है। इस तरह से आपकी भी XML फाइल आ जाएगी, आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। फाइल है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सिलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारी लेयर हैं तीनों सिलेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्ट होने का फिर से इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कॉपी थ्री लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारी तीनों लेयर हैं वो कॉपी हो जाएंगी। अब गाइस जो हम साड़ी को एडिट कर रहे थे उसी प्रोजेक्ट पर जाना है। गाइस आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट थ्री लेयर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो लेयर हैं इस तरह से पेस्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपने जो XML फाइल को ऐड किया है उसकी जो फर्स्ट लेयर है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर गेजुअन ब्लर और बार्प वाला जो इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इन दोनों इफेक्ट को आपको कॉपी करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है थ्री डॉट वाला, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आपको कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोनों इफेक्ट हैं जो कॉपी हो जाएंगे। अब गाइस यहाँ से आपको दोनों इफेक्ट को डिलीट करना है। इस तरह से आपको यहाँ से डिलीट करना है।
दोनों को इस तरह से डिलीट करना है, स्क्रीन पर टच करना है। अब गाइस आपको नीचे में जो आपकी सारी की लेयर है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है दोनों इफेक्ट को। तो यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है थ्री डॉट वाला, यहाँ पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोनों इफेक्ट हैं जो पेस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कुछ इस तरह से इफेक्ट लग चुके हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम साउंड की लेयर के बराबर सभी लेयर को कर देंगे। इस तरह से आप इनको पीछे से कट कर सकते हैं लेयर को। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने आसान तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस अगर आपके अलर्ट मोशन में जो XML फाइल है वो ऐड नहीं हो रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपने अलर्ट मोशन ऐप को डिलीट करना है। डिलीट होने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। इस तरह से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन करना है। ओपन होने के बाद ये आपको दिख रहा है अलर्ट मोशन न्यू वर्जन ऐप, इस वाले ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास पुराना जो अलर्ट मोशन ऐप है वो होगा तो उसमें आपकी जो XML फाइल है वो ऐड नहीं होगी। ये वाले जो अलर्ट मोशन ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो XML फाइल है वो अलर्ट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगी। अब गाइस आपकी वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग तरह से हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स वायरल सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत हमारी लग चुकी है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।